बढ़ती उम्र का शरीर पर असर होता ही है, पर आजकल खराब खान पान और अनियमित जीवन शैली की वजह से बहुत जल्द दिखाई देता है। हमारा शरीर कमजोर होता जाता है और ऐसे में शरीर में विटामिन्स की भी कमी हो जाती है। ऐसे में सबसे खास विटामिन होता है विटामिन डी। इसकी कमी से शरीर में कई तरह के बदलाव होने लग जाते हैं। इसको बढ़ने के लिए आपको बस इतना से काम करने की ज़रूरत है जो हम आपको बताते हैं। हम आपको बता रहे हैं हृदय रोग, स्क्लेरोसिस, गठिया जैसे रोगों के खतरे को कम करने के लिए विटामिन डी के क्या उपाय करना चाहिए। बता दें कि विटामिन डी आपकी याददाश्त के लिए भी ज़रूरी है। एक नए अध्ययन के अनुसार यदि शरीर में विटामिन डी की कमी है तो ये डिमेंशिया का कारण हो सकता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में रहने पर त्वचा में खुद ही पैदा होता है। यदि रोज़ाना सुबह शाम कम से कम 30-40 मिनट धूप में रहने से विटामिन डी की पूर्ति हो सकती है। इस दौरान ध्यान रखिए कि शरीर का कम से कम 40% भाग सूर्य की रोशनी के संपर्क में आए। इसके अलावा दूध और दूध से बने पदार्थ, अंडा, सार्डिन, मैकेरल, टूना, सामन, सोया दूध, टोफू और पनीर जैसे कुछ फूड्स में विटामिन डी नेचुरली मौजूद होता है। मशरूम और अंडे की जर्दी में भी विटामिन डी एक अच्छा स्रोत है। विटामिन डी कैल्शियम अवशोषण को बढ़ावा देता है, इसलिए बोन हेल्थ के लिए अपनी डाइट में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट, पनीर, चीज़, अनाज और फलियां, रागी, चना, राजमा, सोयाबीन, हरे पत्तेदार और नट्स जैसे कैल्शियम युक्त फूड्स को शामिल करें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।